टिकट 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 ए भाई साहब टिकट जी वो बड़ा रे यहां टिकट टिकट ए पांडे पकड़ो कम्युनिटी जा रहा है पांडे ए पांडे जी पकड़ो विदाउट टिकट भाग रहा है पांडे कह के तो पांडे जी खुद को भी ना पकड़े अरे यार भाग जा पांडे जी पकड़ो डब्ल्यूटी ए ए भाग रहा है डब्ल्यूटी क्या हुआ शुक्ला जी गुड मॉर्निंग मैडम मॉर्निंग मजिस्ट्रेट साहब ये विदाउट टिकट भाग रहा था क्यों विदाउट टिकट क्यों भाग रहे थे टिकट लेके भागना चाहिए मैडम टिकट होती तो भागता क्यों हां पढ़ा लिखा लगता है इसे अंदर ले आओ चल बे अंदर मैं अंदर नहीं जाऊंगा मैं जेल में चक्की नहीं पीसूंगा चिंता मत करो बेटा मैडम जेल में चक्की नहीं पिसवाती अच्छा हाँ मसाला पिसवाती है क्या मैडम ये लीजिए आज की कमाई कमाई जी नहीं नहीं शुक्ला जी ये तो टिकट्स हैं यही कमाई है सुबह जो भी यात्री दिल्ली से आया शुक्ला जी ने सबकी टिकट ले ली दोपहर में यही टिकट गोपीचंद के साथ वापस दिल्ली चली आएंगी और शाम को यही टिकट वापस बिक जाएंगी डेट सेम सिंपल गेम मगर शुक्ला जी गोपीचंद अभी तक आया नहीं है और आधे घंटे से लोगों को कह रहा हूँ कि दिल्ली का टिकट नहीं है तो लीगल बांध दो नहीं 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 क्या बात कर रहे हैं पटेल साहब गोपी चंद तो कब का आ गया था मैं ही डिलीवरी में बिजी था ये लीजिए दिल्ली की टिकटें जो दिल्ली से आएंगी बांध दो अरे वाह शुक्ला जी आपका तो जवाब नहीं आप एक ही टिकट दो दो बार यूज करते हैं अरे मैडम ये सब तो आपका आशीर्वाद हम तो बस रेलवे की सेवा करते हैं एक ही टिकट दो तीन बार इस्तेमाल हो जाए तो फायदे भी तो होते हैं ना उसके पहला फायदा तो ये होता है कि सरकार टिकट छापने के खर्चे से बच जाती है और दूसरा फायदा अब हम लोग रेलवे की सेवा करते हैं तो हमें भी तो कुछ फायदा होता समझने के लिए भाटिया साहब बाहर जाइए चलिए कोई विदाउट टिकट ना हो चलिए ऐसे कैसे चला जाएगा आइए अरे जल्दी जल्दी करो गाड़ी आने वाली है इतना सारा सामान लेके आ गई है दो दिन के लिए माँ के घर जा रही है पूरे मोहल्ले का सामान उठा के ले आई है देखो जी। चुप कर एक मारूंगा चपेट खुद जाके वहाँ गिरेगी गिर तो मैं भी जाऊंगा अरे पहले टिकट तो खरीद लो अरे टिकट खरीद लेंगे पहले सामान तो रख लूं मैंने कहा था कूली रख लो कूली रख लो कूली रख लो कूली के पैसे तेरा क्यों देगा सामान गिन लो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस थे हाँ हाँ दस थे खाने का डब्बा कहाँ है खाने का डब्बा तो मैंने डिम्पू को दिया था हाँ? लेकिन डिम्पू कहाँ है डिम्पू अरे घर से लेके तो आई थी अलमारी से तो निकाल दिया था उसे अरे हाँ हाँ घर से ले आई थी रास्ते में आपने तो थप्पड़ जो मारा था अरे तू मुझे क्यों मार रही है अभी भी मुझे दिख जाएगा तो थप्पड़ तो मार दूंगा क्या कहा है डिम्पू अरे बाहर रह गया होगा जरा जाके देखो डिम्पू 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 पूरा खोलो दिखाओ अरे पूरी अटैक जी तो खोल दी अब क्या खोलूं वो बैग दिखाओ ये लो देखिए भाटिया जी देख तो रहा हूँ अरे वो बच्चा कैसे रो रहा बेचारा चलो चलो चल के संभालते हैं उसको अरे 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 ये तो मेरा है तो क्या हुआ बच्चा रो रहा देखते नहीं हो कौन हो बेटा नहीं मालूम बेटा डब्बे में क्या है नाम क्या है बेटा बेटा खाने की चीज है क्या अरे बच्चा किसका अरे किसी का भी हो यार हमें क्या बेटा कुछ खाने की चीज है क्या एक मिनट पटेल से अनाउंसमेंट करवाते हैं चलो आओ बेटा आओ आओ आओ, आओ, आओ। क्या है बेटा दे तो सही पटेल जी बच्चा खो यार रो रहा जरा अनाउंसमेंट करा दीजिए नाम मालूम नहीं उम्र मालूम नहीं गुड़िया गुड़िया हाफ पैंट टी शर्ट रंग गोरा हाथ में खाने का डब्बा हाथ में खाने का डिब्बा है है नहीं था सुनिए 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 एक बच्चा मिला है जिसका नाम पता नहीं है उम्र जीरो मतलब पता नहीं है हुलिया हाफ पैंट टी शर्ट हाथ में टिफिन का डिब्बा था जिसका भी हो टिकट विंडो से ले जाएं अरे टिकट विंडो से बच्चा ले जाओ टिकट विंडो पे बच्चे मिलते हैं ये भाई साहब एक बच्चा दीजिएगा यहाँ क्या बच्चा मिलता है क्या अरे अभी अभी तो आपने अनाउंस किया कि काउंटर पे आके यहाँ टिकट विंडो पे बच्चा ले लो बच्चा खोया है खोया खोया कैसे खो सकता है खोया तो खोया होता है अरे भाई इस बर्फी में भी बहुत खोया है हाँ हाँ मैंने अपनी पत्नी के लिए बनाई थी बहुत सारा खोया डाल के बहुत अच्छा है ये लीजिए आप अपना डब्बा अरे हाँ ये तो मेरा डब्बा है लेकिन ये डब्बा तो डिम्पू के हाथ में था ये आपका डिम्पू है क्या लगता तो वही है नहीं एक बार इससे भी तो पूछ लो क्या ये इनका डिम्पू है बेटे ये आपके पापा है नहीं बस ये तो मेरा ही बच्चा है लेकिन ये तो आपको बाप मानने से मना कर रहा है मेरा तो कोई भी बच्चा मुझे बाप मानने के लिए तैयार नहीं है अरे अरे मेरा डिम्पू हाँ हाँ ये है ना डिम्पू मम्मी बच्चा मेरा मुंह
देखा माँ बेटा, ये मेरी पत्नी है। मुबारक हो। क्या कम से कम ये तो आपको हस्बैंड मानती है। नहीं, वो तो शुरू से हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। ये ले लीजिए डब्बा। थैंक यू। थैंक यू। अरे टिकट तो खरीद लो। हाँ हाँ खरीदता हूँ, ले जाओ तुम बच्चे को वहाँ पे। चलो धक्का मार दिया, टिकट खरीदता हूँ। देखा ये है फैमिली नंबर वन। चलो ये गाजियाबाद देना। क्या यहाँ गाजियाबाद मिलता है क्या? और नहीं तो कहाँ मिलता? क्या गाजियाबाद? गाजियाबाद खरीदोगे? हाँ हाँ। वो तो हैदराबाद खरीदो ना, वो बड़ा है। अरे भाई जब मेरी बीवी को जाना गाजियाबाद है तो मैं हैदराबाद का टिकट क्यों लूंगा? अच्छा टिकट मांग रहे थे। आपको क्या लग रहा था मैं यहाँ गाजियाबाद शहर खरीदने के लिए आया हूँ? दीजिए ना एक टिकट गाजियाबाद का। अच्छा दिल्ली का ले लो ना टिकट। भाई जाना गाजियाबाद तो दिल्ली का टिकट क्यों लूंगा? सस्ते में मिलेगा। क्या दिल्ली का टिकट 100 का है? मैं 90 में दूंगा। अरे नहीं चाहिए। अच्छा 75 में। कमाल का आदमी है भाई, मुझे जाना गाजियाबाद है। अच्छा 70 में ले लो, गाजियाबाद से भी सस्ता पड़ेगा और दिल्ली तक जा सकोगे। गाजियाबाद का एक टिकट चाहिए। लाओ 75 रुपए। ये लो जाओ। बाकी छुट्टा नहीं है? छुट्टा नहीं है। अरे देखो होगा ना। नहीं पहले से देख रखा है ना। कब देखा तुमने? तुम तो आ जाए ना भाई, हम तो यहाँ 5 साल से बैठे हैं देख कर। नहीं है छुट्टा? कमाल का आदमी है भाई। लाओ पैसे वापस करो, मैं छुट्टा लेके आता हूँ। ले लो, लाओ टिकट। मिलेगा नहीं आपको? घर जाके लेके आऊंगा। कहाँ रहते हो? दादा नगर। दादा नगर हो वहाँ जो नाना नगर के पास है? हाँ। ओह फिर तो गया बेटे। गया नहीं, अभी जाऊंगा। देखो भैया छुट्टे का चक्कर छोड़ दो वरना दो बातें होंगी, या तो तुम छुट्टा यहाँ वहाँ ढूंढोगे या तो दादा नगर जाओगे। यहाँ वहाँ ढूंढा तो ढूंढते रह जाओगे, और दादा नगर गए तो दो बातें होंगी, या तो पैदल जाओगे या तो रिक्शे से जाओगे। पैदल जाओगे तो गाड़ी छूट जाएगी, रिक्शे से गए तो दो बातें होंगी, या तो रिक्शे वाला 10 रुपए लेगा या तो 15 रुपए लेगा। 10 लिया तो आने जाने के 20 होंगे, 15 लिया तो आने जाने के 30 होंगे। अरे वाह 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 वाह, रिक्शे वाले को 30 रुपए दोगे और मुझे 25 रुपए नहीं दोगे? क्या इतना बुरा हूँ क्या मैं? रिक्शे वाले से भी बुरा हूँ क्या? वो तो बोलो जल्दी करो, गाड़ी छूटने वाली है। हाँ हाँ ठीक है, लो लो एक टिकट तो मुझे जल्दी से। मेरी बीवी 2 दिन के बाद वापस आ रही है, जब मैं उसको रिसीव करने के लिए आऊंगा ना तो छुट्टा लेके आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो ये लो टिकट। अरे प्लेटफॉर्म तो ले लो। प्लेटफॉर्म तो ले लो, बचपन से आ रहा हूँ मैं यहाँ स्टेशन के ऊपर, कभी प्लेटफॉर्म नहीं लिया, अब प्लेटफॉर्म लूंगा मैं उसको। प्लेटफॉर्म तो ले लो, चलो। शुक्ला क्या हुआ पटेल साहब? वो चिरकुट गया ना अभी, WT है। क्या? हाँ बीवी को चढ़ाने गया है, प्लेटफॉर्म नहीं लिया है। क्या? आने दो, जा नहीं पाएगा। अरे चलो सामान उठाओ, गाड़ी निकल जाएगी नहीं तो। अरे कूली कर लो ना। अरे कूली की पुत्र, 2 दिन के लिए जा रही है और इतना सारा सामान उठा लिया है साथ में, जैसे मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ। चलो निकलो। चलो चलो बच्चों। चलो 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 चलिए। हाँ जाइए जाइए जाइए। चलो जल्दी चलो। चलो चलो। एक मिनट। बैग में क्या? बैग में क्या? सूटकेस है, खोलो। क्यों? चेकिंग। चेकिंग किस बात की? अराजक तत्वों की, देशद्रोहियों की। मैं आपको अराजक तत्व दिखाई देता हूँ? 4-5 बच्चे हैं मेरे, मैं आपको देशद्रोही दिखाई देता हूँ? जिस आदमी के 4-5 बच्चे हो उससे बड़ा तो देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। क्या? जी पांडे जी चेकिंग देखिए। ये बैग खोलिए, बैग खोलिए, बैग खोलिए। अरे अरे मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अगर आपको ऐसे छोड़ दिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये थर्मस में क्या? दूध है, बच्चे के पीने का दूध। चेकिंग चेकिंग, खोलिए खोलिए। लो खोल लो। आप खोलिए, इसमें अगर बम हुआ तो पांडे जी पीछे रहिए। और दूर हट जाते थोड़ा सा, दूध है बच्चे का। लो लाइए दिखाइए एक बार। चेकिंग चेकिंग। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे का दूध है। चेकिंग चेकिंग। दादा पटेल जी दूध जैसा ही कुछ लग रहा था, दूध जैसा ही कुछ लग रहा था, पूरी पूरी थर्मस तो खत्म कर दी, दूध जैसा ही कुछ लग रहा था। लो पकड़ो। देखिए देखिए आप कानून के मामले में टांग मत अड़ाइए, चेकिंग पूरी होगी। अरे यहाँ पे गाड़ी छूट जाएगी भाई। कुछ मिला? नहीं कुछ नहीं मिला। छोड़ दे। हाँ छोड़ दो, चले जाओ। अरे तो ये सामान कौन समेटेगा? आप। मैं अकेला? हेल्प कर रहे हैं भाई, पुलिस जनता की सेवा के लिए होती है। जल्दी से आते हो तुम? चढ़ो ना ऊपर, सामान रखो। जल्दी से चलो। अरे पीछे जाओ। चलो अंदर, ये पकड़िए। सॉरी। अरे वैसल हो गई उधर। चलो चलो जल्दी से। अरे फेंको जल्दी। सामान चढ़ा दिया, बच्चों को संभालना, 2 दिन के बाद आ जाना 2 बजे की गाड़ी से, मैं रिसीव करने के लिए आऊंगा तुम्हें। ओके बाय। दूध ले लेना बच्चों के लिए। बाय। टिकट टिकट। टिकट रिकॉर्ड। अरे ये क्या तरीका है? हाँ यू आपका क्या तरीका है? अरे मैं तो यहाँ से निकल रहा था तो मैं यहाँ थूक रहा था। ये कोई थूकने का तरीका है? तो ये कोई निकलने की जगह है? और कौन सी जगह है भैया? पीछे से वो लोग निकलते हैं जो WT होते हैं। WT समझते हैं कि नहीं समझते? हाँ समझता हूँ, विदाउट टिकट। हाँ गुड, आप WT नहीं लगते। WT है क्या? नहीं। हाँ तो टिकट दिखाइए। टिकट? हाँ
वो तो मैं अपनी बीवी को चढ़ाने के लिए आया था। कहाँ? एवरेस्ट पर? नहीं नहीं, दिल्ली मेल पे। अच्छा, तो प्लेटफॉर्म टिकट तो होगा ना? प्लेटफॉर्म टिकट? हाँ, लिया है कि नहीं लिया? प्लेटफॉर्म, अरे हाँ प्लेटफॉर्म टिकट मैंने लिया तो था। अरे कहाँ गया मेरा प्लेटफॉर्म टिकट? लगता है प्लेटफॉर्म पे गिर गया होगा ना। हाँ हाँ, प्लेटफॉर्म पे गिर गया होगा। अरे ये क्या तरीका? मैं तो यहाँ से निकल रहा था तो मैं यहाँ ठूक रहा था। ये कोई ठूकने का तरीका? तो ये कोई निकलने की जगह है? अरे आप ही ने तो कहा था कि यहाँ से नहीं वहाँ से निकलना, नहीं यहाँ से निकलो। नहीं नहीं नहीं, बैक डोर से निकलते हैं। बैक डोर से? अभी तो आप कह रहे थे कि यहाँ से निकलो। तब आप WT नहीं थे ना? और अब? अब जो है आप WT हैं, आपको जो है बैक डोर से तुड़ी मारना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं बैक डोर से तुड़ी मारता हूँ। हाँ, पीछे से कहाँ भाग रहे हो? बाहर। टिकट दिखा। अरे आप कौन होती है मुझसे टिकट पूछने वाली? ये मजिस्ट्रेट साहिबा है। अरे बेवकूफ किसका बना रहे हो, मजिस्ट्रेट तो वहाँ कोर्ट के अंदर होती है। ये कोर्ट ही ले जाएंगी। टिकट दिखा। नहीं, वो मैं तो अपनी बीवी को ट्रेन पे बिठाने के लिए आया था। यहाँ सब ट्रेन में ही बिठाने के लिए आते, प्लेन में नहीं। टिकट दिखाओ। मैंने बताया ना कि मैं तो बिठाने के लिए आया था सिर्फ। प्लेटफॉर्म टिकट तो होगी। वो तो गिर गई। अरे आपको कैसे पता चला? अंदर चलो बताती हूँ। नहीं नहीं, अंदर ले जाने की क्या जरूरत है, आप यही सबके सामने बता दीजिए। तो अपने ही आदमी है भाटिया जी और पांडे जी। भाटिया जी, आपको बच्चे के दूध का वास्ता है? अच्छा, पांडे जी जरा इन्हें बाहर से बताते बताते अंदर ले आना। हाँ, कितना लंबा बताओगे भाई? दूध का वास्ता पिया तो था बच्चे का दूध सबके सामने। चल, बिना टिकट है विदाउट टिकट चूला लगाता रेलवे को। चल चल, ले गए? हाँ, चलो मैं भी चलता हूँ। कहाँ? अरे भाई इन्हें बता दूँ ना कि इनके WT होने की सूचना मैंने दी थी, वरना मेरा हिस्सा चला जाएगा ना। अच्छा, काउंटर पर कौन है? लोस्ट का बोर्ड। साला WT घूमता है? रेलवे तेरे बाप का? खड़ी निकल, खड़ी निकल। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज मुझे जेल भेज दीजिए, नहीं तो मैं आपका मसाला पीस पीस के मर जाऊंगा। मैडम प्लीज जाने दीजिए ना। यही तो WT करने से पहले पता नहीं था, मालूम नहीं था रेलवे क्या सजा देती है? सब पता था, पर ये मसाला पीसने की सजा का पता नहीं था। मैडम प्लीज जाने दीजिए ना। मैडम मजिस्ट्रेट, मैं जाऊं? क्यों नहीं, मैं वहाँ बैठा हुआ बहुत देर से बैठा ही हुआ हूँ। तो यहाँ बैठ जाओ ना। यहाँ? पर मैं बैठना नहीं चाहता। बैठे बैठे बोर हो गए हो क्या? हाँ, एक्चुअली बात यही है कि वहाँ बिठा रखा है तो थोड़ा बोर होने लगा हूँ। पांडे जी। अजी उषा जी, ये बैठे बैठे बोर हो गए हैं, इन्हें वहाँ खड़ा कर दो जहाँ ये खड़ा था। और इसे? इसे, इसका अच्छा चाल चलन देख के इसे माफ कर देते हैं। माफ? 500 रुपए जुर्माने के साथ। हाँ चलिए। चलो चलो, शुरू हो जाओ। क्या? हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं बोरियत मिटाने के। नहीं नहीं पांडे जी, पर मैं तो एक बार मजिस्ट्रेट साहिबा का नाराज हो गई ना तो गए बेटा मसाले के भाव। कूटो। देखो अभी दोबारा WT दिखे ना। जी नहीं, कभी नहीं दिखूंगा। WT का मतलब जानते हो? हाँ, विदाउट टिकट। नहीं, WT का मतलब होता है विद टिकट, मगर विद टिकट होंगे ना तो विदाउट टिकट समझे जाएंगे। हैं? और विदाउट टिकट हुआ तो? फिर तो विदाउट टिकट ही कहलाएंगे ना, क्यों उषा जी? यही तो। जा जा, तुम जा। थैंक यू। अरे पटेल साहब, आप यहाँ? वहाँ काउंटर पे कौन है? क्लोज का बोर्ड लगा दिया है मैडम। नमस्ते मैडम। अरे शुक्ला जी, आप भी यहाँ? वहाँ गेट पे कोई है कि नहीं? है ना पान वाला लड़का, उसको अपना TC का कोट पहना दिया, पान भी लगा कर ड्यूटी पे जाएगा। मैडम 5 केस पकड़े थे, 4 को 5-5 रुपए देके छोड़ दिया है। और पांचवा? पांचवा अंदर मसाला कूट रहा। बस अब और मसाला नहीं कूट सकता मैं, मैडम मजिस्ट्रेट। तुम तो बड़ी जल्दी बोर हो जाते हो। बस आप मुझे छोड़ दीजिए। अरे तो आए क्यों थे? मैं आया नहीं था, मुझे लाया गया है। हाँ तो प्लेटफॉर्म के बिना प्लेटफॉर्म पे घूमोगे तो क्या होगा? भाई बिना प्लेटफॉर्म के आदमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे घूम सकता है? चुप पैसेंजर ट्रेन, हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट की। प्लेटफॉर्म टिकट के बगैर प्लेटफॉर्म पे घूमोगे तो 500 रुपए जुर्माना और 6 महीने की कैद अलग। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं तो यहाँ बचपन से आता हूँ, मुझे आज तक कभी जुर्माना नहीं भरना पड़ा। बचपन से बिना प्लेटफॉर्म टिकट के? सुनो, ये बहुत पुराना पापी है। क्यों पांडे जी, उम्र कितनी है तुम्हारी? यही कोई 45 साल है। 45 साल? यानी कि आज तक कम से कम 45 बार तो स्टेशन आया होगा। अरे 45 क्या, मैं तो कम से कम 145 दफे स्टेशन आया हूँ। 145 यानी 145 का हो गया 500 के हिसाब से
77,000 77 नहीं 73,500 होता है जी। 73,500 और उसके अलावा 735 महीने की जेल। हाँ अभी अभी तो तुमने जुर्म कबूल किया है कि तुम 145 बार प्लेटफॉर्म पे आए हो बिना प्लेटफॉर्म टिकट के। वो नहीं, वो तो मैं मैंने कुछ नहीं, चलो जुर्माना भरते हो या नहीं। नहीं देखिए, इतना जुर्माना तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भर पाऊंगा। तो जाइए भाई साहब 735 महीने के लिए जेल। अरे मत कीजिए प्लीज। तो आप बताइए ना क्या करें। अब मैं क्या बताऊँ, अब आप ही बताइए। हम क्या बताएं, अब जो बोलना है बोल दो ना। अब मैं तो यही बोल सकता हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे भी छोटे छोटे ही बच्चे हैं। नहीं मतलब मेरे छोटे छोटे बच्चों पर आप रहम कीजिए। भाई साहब आप हमारे बच्चों पर रहम कर दीजिए ना। अरे भाजिया साहब, आपने तो वो थर्मस में से मेरे बच्चे का दूध पिया है ना, आप प्लीज, मेरे बच्चे का दूध का वास्ता है आपको, आप प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। अरे मगर ऐसा किया तो हमारे बच्चे हमें बददुआ देंगे ना। मगर क्यों? जा तेरे बच्चे का दूध पिया है इसलिए 1,000 रुपए बस। 1,000 रुपया जुर्माना दे और निकल। पर 1,000 रुपए है नहीं मेरे पास। अच्छा कितने हैं? बस यही कोई होंगे, ये 1, 2, 3, 4 बस 400 रुपए है मेरे पास। ना ना इसे बंद कर दो अंदर। देखिए देखिए मैडम, मैडम मजिस्ट्रेट आप तो एक माँ हैं, आप तो बच्चों का दर्द समझ सकती। सुनिए सुनिए, 100 का और दीजिए, गेम खत्म कीजिए, गाड़ी का टाइम हो गया। नहीं लेकिन 100 रुपए है नहीं मेरे पास, आप चाहें तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। रहने तो शुक्ला जी, ये आप चार्जिंग बांट लो। मगर फिर मैडम आपका हिस्सा? वो तो मैं वसूल कर लूंगी। पांडे जी इन्हें चलिए। कहाँ? 2 दिन उषा जी का मसाला कूटिए, परसों 3 बजे बाद फिर चले जाइएगा। क्या? हाँ चलिए चलिए। मैं देखे मैडम अरे वाह वाह वाह, तुम्हारे मसाले की अच्छी क्वालिटी देखकर तुम्हें 1 घंटा पहले ही छोड़ दिया जा रहा है, यानी कि 2 बजे। खुश? आज के बाद नहीं आऊंगा कभी यहाँ। मतलब समझते हो डब्ल्यूटी का? यहाँ पे डब्ल्यूटी का मतलब है विदाउट टिकट। थैंक यू। गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली से आने वाली दिल्ली मेल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। अरे आज तो मेरी बच्चों की मां आने वाली है। हगी अरे तुम आ गए मुझे लेने? हाँ मैं आ गया। हाँ वही कपड़े पहने हैं, लगता है परसों से यहीं पड़े हो। और तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो बच्चों को लेके चलो ना। चलो, एक सेकंड भाई एक सेकंड, बिस्तर उतार लूं, अकेला ही हूँ। अरे अच्छा हुआ मिर्ची नहीं देखी इसमें। टिकट दीजिए, टिकट दीजिए, टिकट टिकट। हाँ दिखाओ 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 दिखाओ। आपका? मेरा? मैं तो हाँ मैं तो क्या वो इन्हें लेने आए ना। हाँ हाँ तो प्लेटफॉर्म टिकट उधर देखो, उधर देखो। मैं तो प्लेटफॉर्म पर ही था ना, मैं तो यहाँ से बाहर ही नहीं गया, उषा जी का काम कर रहा था। अरे कौन है आप? प्लेटफॉर्म टिकट दिखाई ना। देखिए। हाँ दिखाइए। मतलब मैं तो वो नहीं, ये प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ है? प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है मेरे पास। तो चलिए वहीं। हाँ अच्छा तुम घर जाओ भाई, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कब? मैडम आप गाजियाबाद कब जा रही है? अगले हफ्ते। तो ये आपको गाड़ी चढ़ाने यहीं मिलेंगे।